ठीक है ठीक है करता हूं करता हूं करता हूं करता हूं ज्वाइन हो जाए तो सबको फिर करता हूं बोलता बोलता मैं सब बोलता थोड़ा धीरज रखो हाँ धीरे धीरे करेंगे फटाफट फास्ट फास्ट नहीं करेंगे फास्ट 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 करो नहीं जमना हलू हलू कर के लिए पाइ ठीक है चलो तो ये क्या क्वेश्चन था मेरा पहले कुछ मत लिखो पहले मैं बोल रहा था डिस्कस करेंगे बाद में लिखेंगे इसको क्वेश्चन में बाद में बोलता हूं कैसा लिखने का है तो मैं क्या बोल रहा था इज इट विच स्टोन और इज इट नॉट विद स्टोन ये विचस्टोन है क्या नहीं है तो इसका आंसर है दिस इज विथ स्टोन नेटवर्क है ये विथ स्टोन है ये विच स्टोन है करंट को जाने के लिए ऊपर से एक पाथ है करंट को जाने के लिए नीचे से एक पाथ है और दोनों पार्थ के बीच में ब्रिज रहना चाहिए तो दोनों पार्ट्स के बीच में ब्रिज है तो ये विथस्टोन है नंबर एक नंबर टू बैलेंस है क्या नहीं अभी अब ये बोलो मुझे बैलेंस है क्या नहीं है रेशो मैटर नहीं करता एक मिनट एक मिनट अभी एक मिनट देखो एक, ये, ये 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 क्लियर करता हूं एक मिनट इधर देखो बंद करो कमेंट्स बंद करो इधर देखो रुको ना रुको ना रुको देखो अभी एक डाउट आया है तो वो क्या बोल रहा है अगर रेशो रेशो अगर इक्वल नहीं है तो फिर क्या है समझो इसको 15 लिया तो भी ये विथ है इसको 15 लिया तो भी ये है अभी बैलेंस नहीं है ठीक है इसको 18 लिया तो भी विन है इसको 15,000 लिया तो भी ये विथ है ठीक है विथ होना अलग बात है बैलेंस होना उसमें और एक कंडीशन है ठीक है तो तो ना विथ होना डिफरेंट है और विस्टोन में बैलेंस होना उसके आगे की केस है आगे की कंडीशन है तो विच होने के लिए बैलेंस चाहिए ऐसा नहीं है विच होने के लिए बैलेंसिंग चाहिए ये ऐसा नहीं है बैलेंसिंग नहीं भी हो सकता अभी ये विच है और बैलेंस नहीं है इसका रेशो एंड इसका रेशो सेम नहीं है अच्छा है कोई बात नहीं लेकिन ये है है दिस इज बट बैलेंस नहीं है अभी समझ रहा है ये विचस्ट्रोन है बट बैलेंस नहीं है अब ऐसा किया तो क्या है देखो ऐसा किया तो क्या है अभी भी ये है ही है अभी भी यह ही है लेकिन अब बैलेंस्ड है क्या नहीं बोलो मुझे अभी भी है बोलता हूं बोलता हूं ओम बोलता हूं मैं क्या कैसा करने का अभी भी यह ही है लेकिन अब बैलेंस्ड है ना अब बैलेंस्ड है अभी भी यह ही है लेकिन बैलेंस्ड है देखो इसका रेशियो फाइव बाई एट इसका रेशियो फाइव बाई एट और इसका रेशियो कितना है टेन बाय सिक्सटीन टेन बाय सिक्सटीन दो दो से डिवाइड किया मतलब ये भी ही आता है तो ऊपर का रेशियो टेन बाय सिक्स उसको भी डिवाइड किया तो वो भी फाइव बाई एट ही आता है तो इसका मतलब ऊपर का रेशियो नीचे का रेशियो क्या है सेम है ऊपर का रेशियो नीचे का रेशियो सेम है तो यह बैलेंस्ड है अब बैलेंस्ड है तो गैलवानोमीटर में करंट कितना रहेगा जीरो बैलेंस्ड है तो अब इसके आगे क्या बोलते हैं हम लोग गैलोनोमीटर में करंट कितना रहेगा जीरो चलो तो सर्किट ड्रॉ करो मैं बोलता हूं क्या क्या लिखने का करेक्ट करेक्ट वेरी गुड चलो सर्किट ड्रॉ करो मैं बोलता हूं क्या क्या लिखने का सर्किट ड्रॉ करो मैं बोलता हूं क्या क्या लिखने का लिखो This is also Lico. This is also this is also, also with Stone's Network. This is also with Stone's Network. This is also with Stone's Network and सर्किट इज बैलेंस्ड एंड सर्किट लिखो या फिर नेटवर्क लिखो एंड नेटवर्क इज बैलेंस्ड दिस इज ऑल्सो विथ स्टोन्स नेटवर्क दिस इज ऑल्सो विथ स्टोन्स नेटवर्क एंड नेटवर्क इज बैलेंस्ड ठीक है बैलेंस्ड है ब्रैकेट में उधर लिखना है तो लिखो आगे फाइव बाय एट इज इक्वल टू टेन बाय सिक्सटीन फाइव बाई एट इज इक्वल टू टेन बाय सिक्स इज विज बैलेंड नेक्स्ट लाइन लिखो तो करंट गैलोनोमीटर में कितना रहेगा जीरो नेक्स्ट लाइन लिखो देर फोर करंट इन गैलोनोमीटर इज जीरो चलो नेक्स्ट लाइन लिखो देर फोर करंट इन गैलोनोमीटर इज जीरो नेक्स्ट लाइन लिखो करंट इन इज़ इज़ जीरो जीरो करंट इन हो गया ओके चलो अब एक डाउट आया था उसका भी उस, उसका मैं सॉल्यूशन बोलता हूँ देखो डाउट क्या आया था हो गया क्या इतना बोलो मुझे बोलता रहे वो वही बोल रहा हूं देखो इतना हो गया समझो अगर ऐसा है क्या है समझो अगर ऐसा है क्या है देखो इसको मैं लेता हूं इधर रेजिस्टेंस लेता हूं समझो टू ओहम का ठीक है इधर मैं रेजिस्टेंस लेता हूं टू ओहम का है तो भी, भी कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसा एज्यूम करो कि गैलोनोमीटर कर का रेजिस्टेंस टू ओम है को कैसा ट्रीटमेंट देना है को कैसा ट्रीटमेंट देना है रेजिस्टेंस जैसा ही देना है तो ऑफ मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है तो बड़ा चेंज नहीं है गैलोनोमीटर में गैलोनोमीटर को हम लोग ट्रीट कैसा करते हैं रेजिस्टेंस जैसा ही ट्रीटमेंट देते हैं उसको बस वो एक, एक एक्स्ट्रा काम करता है गैलोनोमीटर एक, एक एक्स्ट्रा काम करता है क्या करता है करंट बताता है गैलोनोमीटर और एक, एक एक्स्ट्रा काम करता है क्या करता है करंट बताता है ठीक है ओके तो समझो अगर ये फिफ्टीन है तो मतलब बैलेंस नहीं है समझो अगर ये फिफ्टीन है तो ये बैलेंस नहीं है ठीक है अब इधर मैं लगाता हूं एक बैटरी इधर मैं लगाता हूं एक बैटरी और बैटरी है समझ समझो फिफ्टी वोल्ट का इधर लगाता हूँ बैटरी और बैटरी है फिफ्टी होल्ड का तो ये बीच वाले लाइन में करंट कितना रहेगा डाउट क्या आया है ओम का डाउट क्या है वो बोल रहा है अगर अनबैलेंस्ड है ये बैलेंस है ही नहीं ऊपर का रेशो अलग है नीचे का रेशो अलग है तो बीच वाला जो लाइन है उसमें करंट जाएगा कितना तो उसके लिए मैंने बैटरी लिया अलग बैटरी ले लूंगा तो अलग अलग करंट जाएगा डिफरेंट डिफरेंट बैटरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट करंट रहेगा तो क्वेश्चन में ऐसा अगर क्वेश्चन आता ही है ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें बैटरी दिया हुआ रहेगा तो फिफ्टी वर्ल्ड का बैटरी है तो इसमें करंट फाइंड आउट करो तो बैलेंस है ही नहीं तो कैसा करने का, करने का? कल जैसा किया था अनोन वो रिजल्ट एंड रेजिस्टर्स फाइंड आउट करने के लिए वैसा सब जगह पे करंट एज्यूम करो इधर आईवन फिर वो आई टू गया फिर आईवन माइनस आई टू दुनिया भर का ये फलाना सब सब सब, सब एज्यूम करो करंट तो उसमें वेरिएबल्स कितना है था कल भी किच ही किया था रेजिस्टेंस के टाइम तो वो अप्लाई करके निकालना पड़ेगा टाइम लगता है उसको मिनट्स लगेगा ठीक तो है तो बैलेंस है तो सॉल्व करने का बैलेंस्ड नहीं है तो एग्जाम के एंड में सॉल्व करने का ठीक है अगर टाइम मिलता है तो क्योंकि उसको टाइम लगता है किच से सॉल्व करना पड़ता है फिर ठीक है समझा गया यह सबको समझा गया यह सबको डाउट क्या था अगर अनबैलेंस्ड है बैलेंस्ड है तो करंट जीरो है अच्छा है बैलेंस्ड है तो करंट जीरो है ठीक है लेकिन बैलेंस नहीं है तो क्या करने का लेकिन अगर बैलेंस नहीं है तो क्या करने का तो बैलेंस नहीं है तो फिर क्रिच अप्लाई करना पड़ेगा जितना अननोन से कल किया था ना वैसा तीन अन्य में तीन अनोन्स होता है तो तीन अननोन के लिए तीन इक्वेशन लिखने का सॉल्व करने का बहुत टाइम लगता है उसको वो करने का वैसा वाला क्वेश्चन शायद ही आएगा नीट में नीट में वैसा वाला क्वेश्चन आएगा नहीं ठीक है ओके चलो तो देखो और क्या करेंगे और करेंगे कुछ ठीक है एक क्या करो और एक क्वेश्चन करेंगे फिर बस समझा ना सबको ठीक है ठीक है चलो और एक क्वेश्चन करेंगे और फिर आज के लिए बस हो गया हुँ? चलो लिखो क्वेश्चन क्या है और एक क्वेश्चन करेंगे फिर आज के लिए बस होगा देखो क्या है क्वेश्चन देखो ऐसा है इधर है क्या इधर है थ्री ओहम यह है टू ओहम फिर ये है सेवन ओह सेवन नहीं एट ले लो और फिर ये है नाइन ले लो नाइन ओम और फिर ये ले लो सिक्स ओम नाइन ओम नहीं ये ले लो ट्वेल्व ओम थोड़ा सा चेंज करने दो ये ट्वेल्व ओम तो ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ठीक है चलो क्वेश्चन क्या है देखो चलो चलो चलो, चलो इधर देखो इधर देखो चलो क्वेश्चन क्या है देखो तो इधर से करंट आएगा इधर से करंट जाएगा अपने पास से फोर रेजिस्टेंसेस और, और कितना दिखा अगर जीरो दिखा रहे तो ये कितना है? ऐसा भी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है चलो बोलो डायरेक्टली मुझे आंसर बोलो कितना आता है इफ गैलोनोमीटर इज शोइंग जीरो करंट देन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज हाउ मच अरे बारह कसला रे बारह नहीं रे बारह तो नीचे है ऊपर भी बारह कैसे आएगा चलो बोलो बोलो करा रहे कैलकुलेट करा तो कितना आता है एटीन आएगा एटीन आएगा क्या गाउटी क्वेश्चन एकदम एटीन आएगा अब तू सोएगा और बोलेगा फिर क्वेश्चन रिपीट करो अब तू भी अभी सोएगा मॉर्निंग so लेक्चर रहता है तब भी तू सोएगा अब ये तो इवनिंग में लेक्चर है उसमें भी तू सोएगा फिर कैसा चलेगा चलो 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 देखो इधर क्या है क्वेश्चन क्या था कि गैलोनोमीटर इज शोइंग जीरो करंट चलो क्या था गैलोनोमीटर इज शोइंग जीरो करंट तो ये रेजिस्टेंस कितने का है

तो इसका भी इधर वाला रेजिस्टेंस सिक्स टाइम्स चाहिए तो ये सिक्स टाइम्स है तो ये भी सिक्स टाइम्स सिक्स इंटू थ्री ये एटीन ओहम चाहिए एटीन तो इधर का, का चाहिए, 18 का, चाहिए। ठीक है? का, कितने का चाहिए चलो ये लिखना है तो लिखो नहीं लिखा तो भी चलता है ये सर्किट ड्रॉ करना है तो करो नहीं किया तो भी चलता है क्या एकदम चिल्लर क्वेश्चन है लिखना है तो कैसा सर्किट ड्रॉ किया नीचे लिखो इफ गैलोनोमीटर इफ गैलोनोमीटर रीड्स जीरो देन आर शुड बी एटीन ओ होम इफ गैलोनोमीटर रीड्स जीरो देन आर शुड बी एटीन ओ होम ठीक है ओके okay, चलो तो आज के लिए इतना ही बस हो गया आज के लिए इतना ही बस हो गया क्या क्या हुआ एक बार रिवाइज करो फिर बंद करेंगे आज के लिए इतना ही बस हो गया क्या क्या हुआ एक बार रिवाइज करो चेको चेक करो पेजेस में क्या क्या लिख के लिया है एक बार चेक करो पेजेस फिर रिवाइज करूंगा फिर जाएंगे ठीक है आजु एक बस ना कल करेंगे बस हो गया चलो कल का लेक्चर सेम टाइम सिक्स टू सेवन कल का कल लेक्चर होगा ऑनलाइन लेक्चर ही होगा कल का लेक्चर का टाइम सेम पढ़ाई करो ट्यूसडे ऑफलाइन एग्जाम लेने का है ट्यूसडे का एग्जाम ऑफलाइन लेना है लेना है तो पढ़ाई करो ठीक है कर लेंगे ना अभी चिल्लर चिल्लर है कल लेंगे चलो रिवाइज करो कर लेंगे और और करेंगे कल कर। चलो तो क्या क्या हुआ है कौन सा क्यूर्च ऑफ सर है निखिल का बोला ला खुटला क्यूर्च ऑफ सर क्या बोल रहा है यह अच्छा आधी से किरचॉप का क्या बोल रहा है समझ नहीं रहा ऑफलाइन लेक्चर में पूछ ना समझ नहीं रहा मुझे क्या बोल रहा है हाँ निखिल बहुत पढ़ाई कर रहा है ऐसा लग रहा है वो क्या है वो कुछ इतना काम का नहीं रही निखिल उसपे क्वेश्चन आता नहीं है उसपे क्वेश्चन आता नहीं है सर्किट अगर बैलेंस नहीं है निखिल का डाउट विचार था सर्किट अगर बैलेंस नहीं है तो, तो करंट कैसा निकालने का किरचॉफ ऑफ यूज करके निकालने का हर एक लाइन में करंट एज्यूम करने का तीन अनोन करंट आता है तो तीन इक्वेशंस लिखो और फिर सॉल्व करो टाइम लगता है उसको किर्च ऑफ से सॉल्व करने का अब कैसे सॉल्व करने का वैसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं और आएगा तो बहुत टाइम लगता है तो एग्जाम में वो करना पॉसिबल ही नहीं होता ठीक है तो इसलिए वैसा एग्जाम्पल में नहीं ले रहा हम्म वही 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 ठीक है ए बाय किधर बाय किधर रुक रुक बाय बाय किधर अभी रिवीजन किया नहीं बाय किधर का चलो तो क्या क्या हुआ आज चलो तो आज क्या-क्या हुआ है चलो तो आज क्या-क्या हुआ है तो आज हुआ ओन्ली विटस्टोन एंड विटस्टोन के ऊपर न्यूमेरिकल्स ठीक है तो आज क्या-क्या हुआ विटस्टोन एंड विटस्टोन के ऊपर न्यूमेरिकल्स विटस्टोन में कितना रेजिस्टेंसेस रहता है फाइव रेजिस्टेंसेस कभी-कभी ये बीच में रेजिस्टेंस नहीं रहता उधर गैल्वानोमीटर रहता है कभी-कभी ये बीच वाला लाइन में रेजिस्टेंस नहीं रहता गैलवानोमीटर रहता है तो भी ये विथ ही है लगाया तो विचस्ट्रोन खत्म हो गया ऐसा नहीं तो भी ये ही है तो कितना लाइंस रहता है में कितना लाइंस है करंट आएगा करंट को जाने के लिए ऊपर से एक रास्ता है करंट आएगा करंट को जाने के लिए नीचे से एक रास्ता है और बीच में ब्रिज है तो ये विथ है इसका रेशियो एंड इसका रेशियो सेम तो है तो बैलेंस्ड है ऊपर का रेशो नीचे का रेशो सेम है तो बैलेंस्ड है और बैलेंस्ड है तो बीच वाले रेजिस्टेंस में करंट कितना रहता है जीरो रहता है बैलेंस्ड है तो मिडल वाले रेजिस्टेंस में करंट जीरो रहता है और और एक कंडीशन क्या है करंट जीरो क्यों रहता है लॉजिकल है ये कुछ याद रखने का जरूरत नहीं करंट जीरो क्यों रहता है क्योंकि नीचे का पोटेंशियल और ऊपर का पोटेंशियल क्या हो जाता है सेम होता है ठीक है तो इतना ही हुआ है आज चलो तो आज के लिए इतना बस हो गया कल का लेक्चर सेम टाइम सिक्स टू सेवन कल का लेक्चर सेम टाइम सिक्स टू सेवन पढ़ाई करो टाइम पास मत करो हाँ दो तीन दिन अभी लेक्चर ऑनलाइन हो रहा है तो क्या करो थोड़ा सा एनर्जी कम हो सकता है घर पे बैठ कर थोड़ा सा बोर हो सकता है लेकिन इधर उधर किधर से थोड़ा घूम के आओ कुछ तो करो एंटरटेन करो खुद को लेकिन पढ़ाई करो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्टडी करो क्रिच का सॉल्विंग होना चाहिए अभी पूरा किच का सॉल्विंग अभी पूरा होना चाहिए हाँ विथ का सॉल्विंग कब करने का मैं बोलता हूं विच का मत करो विद इजी है बाद में बोलता हूं मैं विथ इजी है मैं बाद में बोलता हूं किच का सॉल्विंग लेकिन पूरा करो क्रिच पे पेपर आने वाला है मंडे का ट्यूसडे का पेपर किच पे आने वाला है तो किच का सॉल्विंग पूरा करो ठीक है चलो तो आज के लिए बस हो गया कुछ डाउट से तो बोलो नहीं तो बंद करो